सामने ये छोटा सा पानी का गड्ढा है जिसे तराई कहते हैं, उसके पार हमने वो जमीन देखी, वो जमीन ठीक थी। लोगों को मालूम पड़ा यहाँ पे नौ देवी आ रहा है, उन्होंने वहां पे जमीन का हनुमान जी कर दी। यानी उन्होंने कितना अच्छा किया, दरअसल उसको ये कहा था एक जमीन ये मिले हमें, फिर हमने जमीन नापना शुरू किया। मैं रोज बाबूलाल, मैं खाना खाने के लिए मुझे इधर उधर जाना पड़ता था ढाबे पे, तो बाबूलाल जाए तो लोगों ने देखे कहा तू प्रिंसिपल साहब ने रोटी बना दिया कर और वो ढाबे खाना खाते हैं इधर उधर। बाबूलाल जी रोटी बनाते थे तो कभी राजस्थान का नक्शा बनाते, कभी मेवाड़ का नक्शा बनाते, इधर जा रही है पानी इधर जा रहा है। एक रोज मैं आया, मैंने शहर से मैंने देखा बढ़िया मराठे और शानदार दाल बनी हुई है। मैंने कहा बाबूलाल जी आपने इतना जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर ली? बाबूलाल जी ने कहा कि मार्सा बोल रहा है। मैंने कहा कौन मार्सा बात? तो सोनिया है। मैंने कहा तो वो क्या बस दो सोनिया एक साथ? मैंने कहा वो स्कूल नहीं चलेगा, दो सोनी जहां एक साथ हो जाए वहां अगर वो स्कूल चल जाए तो कमाल की बात है। लेकिन वो सोनिया है तो इतने सुपीरियर सोनिया है, उन्होंने इस स्कूल को काया पलटने में किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं रखी। आज मुझसे ज्यादा लोग उनको जानते हैं और ये मुझे बड़ी खुशी है। मेरा स्टाफ बहुत बढ़िया स्टाफ था, यहाँ पे हर प्रकार की चीजें हमने होगी। पहले हमने ठेके दिए खाने के, सब प्रकार की बाधाएं पार करते हुए हम धीरे 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 आगे निकलते हुए चले गए। नापने का जब आया तो दोनों सोनी नाप रहे थे, वो जंजीर खींच रहे थे, तो मैंने उनको कह रखा था कि 5-10 फीट आगे एक जंजीर, हर जंजीर 5-10 फीट आगे। इस तरह से हमने 5 बीघा जमीन और डेवलप ली। हमारे पहले पानी नहीं था, बड़ी बढ़िया घटना सुना रहा हूँ। हरी ग्राम से पानी आता था मिल के लिए और यहाँ पे एक स्कूल चलता था विवेकानंद केंद्र उसके लिए, तो विवेकानंद जाकर के कहा एम डी थे उस वक्त उनको, उनका नाम था रूप राम का। मैंने कहा रूप राम का जी मेरे बच्चे 50 है, हम परेशान रहते हैं, हमें थोड़ा पानी दे दीजिए। मैंने पानी नहीं मिलेगा, मेरा सबसे बड़े वाला बालक मेरे साथ था, हमने उनकी बहुत मेहनत देखी लेकिन वो नहीं माने। अच्छा वो खुद हमारे लिए चाय ला रहे हैं, नाश्ता ला रहे हैं, नौकर नहीं एम डी स्वयं, लेकिन पानी के लिए उन्होंने पानी हमारे पास नहीं। मैंने कहा पानी मिल तो नहीं रहा। मैंने उनको एक शेर और सुनाया, सुनाओ आपको। मैंने कहा उनको कि रकबा तुम्हारे खेत का मिलो हुआ तो क्या, यानी आपका खेत जो है अगर कई गुना बड़ा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, रकबा तुम्हारे दिल का दो इंच भी नहीं। लेकिन हमने सबसे खूबसूरत बात हमारी ये थी, हमें बहुत अच्छी गुजारी, जैसी गुजारी बहुत अच्छी गुजारी। और जब ये हॉल बना और फिर मैंने उसी वक्त को छोड़ा, सब बालक यहां सोते थे, सबके विजिटर यहां लगते थे, हमारे टीचर्स के यहां लगते थे, तो डेली टीचर्स की वो जाना थे इसके बाद भी चुके हैं, तो वो उसके अंदर हमें एक व्यवस्था कर रखी थी, हम सबको छोड़ करके इधर चले आए और यहां पर हमारी क्लासेस शुरू हो गई। और ये इन सब कामों में ये बाबूलाल जी जो थे वो एक धुरी थे। अब खास बात में मैं ये आता हूं, मैंने कई जगह लोगों को रिटायर्ड होते हुए देखा है जहां पर लोग अपने साथी को विदाई नहीं देते, साथी को भी विदाई नहीं देते, ठीक है रिटायरमेंट वाले का होता रहता है लेकिन टाल देते हैं, इस तरह से होता है।
लेकिन सबसे खूबसूरत बात मैंने इस एलुमनी ये एक तो मैं कई एलुमनी में जाकर गया, मैंने कई जगह देखा इन लोगों ने कई नई परंपराएं शुरू की और उसका कोई मुकाबला नहीं। गेट बना है, गाड़ी आई है और हर वक्त हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने यहाँ पर अपने एक कर्मचारी को इस तरह जो उनका टीचर भी रहा है लेकिन उस आदमी को ये विदाई दे रहे हैं, ये नई परंपरा हो गई। मैं एलुमनी वालों का तो बहुत ही शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि विद्यार्थी जो है अपने स्टाफ मेंबर को जिसमें टीचर नहीं है वो आदमी ही स्टार्टेड, मतलब इन्होंने अपना पियोन से शुरू किया, पियोन से फिर ये रेलवे स्टेशन बने, कभी ड्राइवर बने, कई प्रकार के धंधे करते हुए बाबूलाल जी ने अपना ये सफर पार किया। बाबूलाल जी के लिए मैं एक शब्द काम में ले सकता हूँ, गर्व योगी है। यहाँ पे जितने प्रिंसिपल आए एक तो प्रिंसिपल को छोड़ दू मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस स्कूल के मैं बहुत गरीब रहा हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं वक्त तक इस स्कूल के गरीब रहूं। बाबूलाल जी के लिए मुझे कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह नहीं मिला कि बाबूलाल ने बालाजी का अपना काम गड़बड़ कर दिया। कमियां हर एक में होती है, गलतियां हर एक करते हैं, मैं ही नहीं सोचू, मैं तो गलती करता ही नहीं जिंदगी में, ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, मैंने भी कई गलतियां की है। लेकिन बाबूलाल जी जैसे व्यक्ति जिसके लिए शुरू से लेकर के अखिल तक के प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल साहब मुझे दूसरे प्रिंसिपल साहब से बिल्कुल अलग लगे, कई प्रिंसिपल को मेरा तो शिक्षा विभाग से ही नाता है और मैं इन्हीं लोगों से ज्यादा मिलता हूं, मुझे बिल्कुल अलग लगे। जब मुझे ये मालूम पड़ा, मुझे मेरे विद्यार्थी ने किसी ने बताया कि प्रिंसिपल साहब ने, हाँ आपके जो प्रेसिडेंट है एलुमनी के, उन्होंने मुझे बताया प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं ये तो उन्हीं का स्कूल है, मैं उनको कैसे इन्वाइट कर सकता हूँ, मेरी इनके प्रति जो श्रद्धा उमड़ी है मैं सोच नहीं सकता। मैंने कहा एक दिन आदमी ये कितना बड़ा भी हो सकता है, वरना प्रिंसिपल बनती तो आप भी कैसे उठा के बोल रहे थे मेरे मुकाबले में तो दूसरा है ही नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। इतनी विनम्रता आ रहा है, कई सवाल है, मैं जब रात रात से मिला और मुझे सबसे बड़ा ये आश्चर्य हुआ, मैंने प्रेसिडेंट साहब से कहा जीवन आप कर रहे आगे कोई तो ये कुछ ऐसी परंपरा मुझे यहाँ पर देखने को मिली। इस जिंदगी में कितनी खूबसूरती है अगर इसको आराम से जिया जाए, लेकिन इसकी सहजता से लोग जीते नहीं है, लोग ये समझते हैं जिंदगी बहुत बड़ा भार है। मैं तो आई एम मोर लकी, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। 24 साल के साथ में कोई रिटायरमेंट के हो गए, इसी 21 दिसंबर को 24 साल हो जाएंगे मुझे रिटायर हुए। और जब भी मैं अपने वोटों के लिए क्या शब्द प्रयोग करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, यानी दुनिया का अगर कोई भी सबसे अमीर आदमी है तो मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी फौज है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहां रहता हूं मेरी फौज, जिस जगह रहता हूं खड़ा रहता हूं वहां पर, कई बार लोगों से कहा है कि इंस्पेक्टर के और गौरव से मत रहो, आपका सबसे बड़ा इंस्पेक्टर आपके सामने बैठा हुआ, आंखें आपको देख रही है, बचा दिमाग
जब आप यहाँ से बाहर जाओगे, क्या बोल रहा, जब बाउंड्री को छोड़ करके बाहर जाओगे तब आपको मरने का काम भी क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, जो अपनी हस्ती को मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है, तो ये ऐसे लोग जो है अगर विद्यालयों को मिलते रहे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम लोग बहुत आगे हैं। मैंने कई गांवों के विद्यालय देखे हैं, मेरे गांव में भी नवोदय विद्यालय है और वहां पे जो प्रिंसिपल पहुंचे वो यही पहुंचे हैं, तो वो भी यहीं से पहुंचे हैं, वो भी डिविजन बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा।